अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ जानकारी ऐसी देने वाला हूँ जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है, और इसमें जो है टिकट के प्राइस के हवाले से बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। ये आपको जो है काफ़ी ज़्यादा राहत भरी खबर जो है मैं आपको देने वाला हूँ जो कि टिकट के प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम होने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग नए वीज़ा पर जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। नया वीज़ा अभी इशू हो रहा है कुवैत का, लेकिन ओनली 20 नंबर वीज़ा जो खादम के लोग हैं, जो घर खादम में काम करना चाहते हैं, चाहे वो मजरा हो या घर में हो या फिर कोई भी ड्राइवर वगैरह हो या किसी भी तरीके से आपको स्पॉन्सर जो है वो कफिल कर रहा है, तो आप कुवैत में एंट्री कर सकते हैं, कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कुवैत में जाना चाहते हैं दूसरा वीज़ा पर, तो अभी दूसरा वीज़ा कोई भी शुरू नहीं हुआ है। हो सकता है आने वाले वक्त में शुरू कर दिया जाए, लेकिन फ़िलहाल में इस तरीके का कोई भी अपडेट नहीं है कि कोई दूसरा वीज़ा इशू किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद में बात करते हैं, अभी जो टिकट के प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, लेकिन आने वाले वक्त में बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी जो टिकट के प्राइस हैं वो लो होने वाले हैं, और इसको जो लेकर है काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से रहने वाले हों तो काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर परेशान है। तो आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी जो टिकट के प्राइस हैं वो लो हो जाएंगे। अगर आप किसी भी कंट्री से सफ़र करना चाहते हैं तो आप थोड़ा वेट कीजिए, हो सकता है 10 दिन लग जाएँ, 15 दिन लग जाएँ या फिर 20 दिन लग जाएँ, जितना भी समय लगेगा वो हम आप तक शेयर कर देंगे, लेकिन आपको इंतज़ार करना रहेगा। अगर आप इंडिया से आना चाहते हैं तो नॉर्मली मैंने आपको बताया था तकरीबन आपका 60 से 1 लाख के बीच में जो है वो टिकट के प्राइस हो सकते हैं। अगर आप अदर कंट्री से आएंगे तो आप अपनी कंट्री के हिसाब से देख लीजिए, लगभग 400 से 500 केडी के करीब या फिर जो है इतने ही इर्द गिर्द जो है आपका टिकट का प्राइस रहेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो लोग छुट्टियाँ हैं उनको वैक्सीन लगी है तो क्या वो ट्रेवल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन जो रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करना रहेगा, चाहे वो आपको बाया होकर जाना हो या फिर डायरेक्टली। तो अभी आपको मालूम है फ़्लाइट नहीं मिल रही है, बाया होकर ही जाना होगा, 14 दिन आपको क्वारंटाइन होना होगा, और दूसरी बात ये है आपको PCR जो है वो लेकर जाना होगा, तभी आपको एंट्री मिल पाएगी। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है इलीगल लोगों के हवाले से। अगर आप एक इलीगल हैं तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कम्प्लीट सही कराएँ, और सही कराने के बाद में आप काम काज करें, क्योंकि कहीं पर भी काम काज करते हुए आप पाए गए और आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, तुरंत आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और हो सकता है कि आपको 1 महीना 15 दिन या 20 दिन जितने भी दिन है आपको जेल के अंदर रखा जाए और उसके बाद में जो है आपको डिपोर्ट किया जाए। तो ये थी कुछ जानकारी जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, और आप कहीं पर भी कोई भी इलाके में काम करते हों, चाहे महबूला या फिर आप जलेब में या फिर किसी भी तरीके से कोई भी इलाके में आप काम करते हों, तो सही तरीके से लीगल होकर काम करें तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।